हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, व्हाट आर द थिंकिंग करेंटली अबाउट यू। पर्सन के दिमाग में करेंटली क्या चल रहा है, वो करेंटली क्या सोच रहे हैं हम देखेंगे। साथ ही साथ आपके पर्सन की तरफ से क्या चैनल मैसेजेस है आपके लिए, वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 ऑप्शंस रखे हैं, आपको किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस स्टोन को सेलेक्ट करें, तो फिर आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आपको करना ये है, अगर आप स्टोन से सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाएगी, और अगर आपको नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है देन आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल कहाँ पर। आप उस ऑप्शन के आगे क्लिक करके अपने रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, आप इस स्टोन को भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए। दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, आप इसकी रीडिंग को भी देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन थर्ड ऑप्शन के लिए। आपको जो भी स्टोन अट्रैक्ट कर रही हो आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पर्सन का नेम इनिशियल वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। जब आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिलेगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पे DM करें। सो चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है या फिर आपने पर्सन का नेम इनिशियल वैसे सेलेक्ट किया, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है वो हम देखेंगे। आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप मैरिड हो देख सकते हो आपके वाइफ हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, आपके एक्स क्या सोच रहे हैं, आपके लव पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए टाइमलेस है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी करेंट फीलिंग्स की। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो पहला कार्ड आपके लिए कम्युनिकेशन का है, दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड देन वी हैव रेवन, सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज किया है वो मैं देख पा रही हूँ कि काफी स्पिरिचुअल है, या तो आप काफी स्पिरिचुअल हो, या तो ये जो पर्सन है ना जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो काफी स्पिरिचुअल है, आप दोनों काफी स्पिरिचुअल हो सकते हो। ओके, इनको स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ है और ये डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, ये सच्चाई का साथ देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आइदर यू आर वेरी स्पिरिचुअल और दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल और बोथ ऑफ यू कैन बी वेरी स्पिरिचुअल, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। एंड राइट नाउ आपके पर्सन किसी तरह के अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ओके, उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। ऑल्सो ये पर्सन अगर पास्ट में काफ़ी ज़िद्दी रहे थे, अपनी बातों को मनवाते थे, या इनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें थी जो आपको काफ़ी तकलीफ देती थी, तो इन्होंने जो भी गलतियाँ की है पास्ट में उस चीज़ को ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही है क्लैरिटी के साथ। राइट नाउ ये पर्सन आपके कनेक्शन को बहुत क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं और इन्होंने जो भी गलतियाँ की थी वो चीज़ें इनको समझ में आ रही है। ऑल्सो इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल इनको नज़र आ रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल है, आप दोनों का मिलना किसी पर्पस से है और ये आपको लाइफ पार्टनर के जैसा देखते हैं। वी हैव टू ऑफ कप्स। ओके, इनको समवेयर रियलाइज़ होता है कि ये कनेक्शन इनको काफ़ी शांति काफ़ी पीस देखती है। ओके, ये आपके साथ रहते हैं तो इनको बहुत अच्छा फील होता है, समवेयर इनकी ग्रोथ होती है और हो सकता है आपके साथ रह के इस पर्सन ने अपना सोल पर्पस पहचाना हो, आपने इस पर्सन को गाइड किया हो, या तो फिर जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे तो इनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस चल रहे थे, बट जब आप इनके लाइफ में आए हो इनको गाइड किया है, या तो फिर इनका टाइम सही हुआ है, प्रॉब्लम्स इनके काफ़ी दूर हुए हैं, तो ये पर्सन आपको काफ़ी लकी देखते हैं। ओके, और समवेयर ऐसा समझते हैं कि आपने इनकी हेल्प की है इनके सोल पर्पस को पहचानने में या अपने रियल फेस को पहचानने में, कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई है आपकी वजह से। ओके, तो ये पर्सन आपके बारे में करेंटली ऐसा सोच रहे हैं। ओके, एंड यस, आपको काफ़ी मानते हैं। ठीक है, वी हैव टू ऑफ कप्स, आपको अपने सोलमेट के जैसा देखते हैं और आपके साथ होना इसको काफ़ी अच्छा लगता है, आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। विद द कम्युनिकेशन एंड द रेवन, इस पर्सन को
भीतर से ये चीज़ें बार बार फील हो रही है कि आपके साथ इनको बात कर लेना चाहिए। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन करेंटली फील कर रहे हैं दैट इनको आपसे कम्युनिकेट करना है, इनसे बात करना है, एंड हो सकता है बहुत जल्द आपसे ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, या फिर इनडायरेक्टली आपको कोई मैसेज सेंड करने की कोशिश करें, किसी फ्रेंड से आपके बारे में जानने की कोशिश करें, ओके? या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, ये पर्सन आपको फॉलो कर रहा है और आपको ये बोले कि ये कोइंसिडेंटली आपसे मिल गए। बट अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, या आपको मार्केट में या कहीं पर या कोई मैसेज आपको सेंड किया हो और कोइंसिडेंटली वाली बात अगर आपको कही है, तो फिर वो ऐसा है क्योंकि ये पर्सन जानबूझ के आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? रिकॉन्सिलिएशन या फिर चीज़ों को ठीक करके आपकी तरफ बढ़ना, वो चीज़ें आपके लिए दिख रही है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है। एंड यहाँ पर आपके लिए नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके? 10-10 आपको मे बी नज़र आ रहा है। ऑल्सो हो सकता है जिस दिन ये पर्सन आपको कॉल करने वाले, आपको बहुत ज़्यादा नंबर 10-10 दिख रहा हो, ओके? ऑल्सो मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपको 5 दिन के बाद मैसेज कर सकते हैं या आपको किसी तरह से बात कर सकते हैं, ओके? बट इनके दिमाग में आपके लिए ये चीज़ें चल रही है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ओके? और अगर ये पर्सन आपके घर पे आते जाते हैं या आपके पड़ोस में रहते हैं, तो ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू, आपसे आपको देखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है ये आपसे वीडियो कॉल पे बात करने की कोशिश करें, या आपके घर पे अगल बगल है तो फिर आपको देखने की कोशिश करें, ठीक है? वो चीज़ें आप पे दिखती है। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, ये पर्सन हो सकते हैं लियो, वो चीज़ें दिख रही है। लेट्स सी चैनल मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट साइंस आए, सैजिटेरियस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस आपके या इस पर्सन के हो सकते हैं। क्या मैसेजेस है, डू यू मिस मी, तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या आप भी इनको मिस करते हो, बिकॉज ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं और ये जानना चाहते हैं इस टाइम में आप इनको मिस कर रहे हो कि नहीं। आई एम नॉट हैप्पी विथ माई करेंट पार्टनर, तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो ये आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं दैट अपने करेंट पार्टनर के साथ ये खुश नहीं है। एंड यस आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू, तो हो सकता है आपको लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं, आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये आपको कह रहा है दैट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कुछ लोग हो सकता है अपने क्रश के बारे में देख रहे हो, अगर ऐसा है तो ये आपको कह रहा है दैट यस ये भी आप में इंटरेस्टेड है, या अनकन्फेस्ड लव है तो वहाँ पर भी ये आपको मैसेज दे रहे हैं दैट ये आपको लाइक करते हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स हैं इनकी भी है। आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में है कुछ लोग, उनके लिए ये मैसेज है, ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो इनके बिना, कि आप खुश हो। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, हो सकता है आपको मैसेज कर रहे हो बट आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर ब्लॉक कर रखा हो। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, कुछ तो यहाँ पे पास्ट में हुआ है और आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं पर्सन कि आप इनको माफ़ करो और इनके मैसेजेस को रिप्लाई करो, ठीक है? आई रियली लव यू, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है, दिल से प्यार करते हैं, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1। रीडिंग पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू यू रीडिंग, आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है या फिर आपके पर्सन का नेम इनिशियल सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके? हम यहाँ पे चैनल मैसेजेस भी लेंगे और मैंने आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं और मैसेजेस आपके सामने निकालेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये रीडिंग आप सभी के लिए, मतलब आप किसी भी जेंडर के हो, मेल फीमेल किसी भी जेंडर के, आप सभी के लिए ये रीडिंग, ओके? आप अपने वाइफ हस्बैंड के लिए देखना चाहते हो देख सकते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, आप सभी के लिए है ये रीडिंग, आप देख सकते हैं। पहला कार्ड आपके लिए ट्रस्ट का है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, पॉसिबिलिटीज, 10 of Pentacles, सन, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम,
कंपैटिबिलिटी, जॉय. लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट. सो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो पर्सन है वो लियो हो सकते हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस. यहाँ पर ये साइंस आपके भी हो सकते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन ने ऐसा देखा है पास्ट में कि जो रिलेशनशिप होती है उसमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, जैसे अपने आप को अच्छा दिखाना पड़ता है, ठीक है, अपने रियल सेल्फ को छुपाना और हमेशा अपने आप को परफेक्ट बना के अपने पार्टनर के सामने ले जाओ, तभी आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा इनका बिलीव था पहले. ठीक है, हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने किसी ऐसे पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में थे जहाँ पर इनको काफ़ी अपने आप को अच्छा बना के रखना पड़ता था, ठीक है, काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करके रखना पड़ता था, ये फ्री नहीं रह पाते थे, ठीक है, हर टाइम ये कोशिश करते रहते थे कि सामने वाले को इम्प्रेस करें ताकि वो मेरे साथ रह सके. ठीक है, तो वो एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं, बट यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ, इनको फील होता है कि बिल्कुल बनावटी होने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे है आप उनको बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट करते हो. ओके, इट मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं. वी हैव द सन कार्ड, ये जैसे हैं अपने आप को बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत आपके साथ ये पर्सन कंफर्टेबल फील करते हैं. ओके, आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है इनकी, ये हो सकता है आपके पहले फ्रेंड थे, बट मुझे यहाँ पे वो चीज़ फील हो रही है कि इनको आपके सामने किसी भी तरह का दिखावा ना करना पड़े और बिल्कुल फ्री रहते हैं, बहुत आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं. ओके, आपके साथ इनकी हैप्पीनेस, और अगर ये पर्सन कभी आपके साथ या फिर इनके लाइफ में कभी कोई भी परेशानी रहती है, आपको देख के आपसे बात करके मात्र इनको काफ़ी अच्छा फील होता है. ओके, वी हैव जॉय, वी हैव सन, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, आप पे काफ़ी भरोसा करते हैं, ठीक है, आँख मूंद के भरोसा करते हैं, वो चीज़ यहाँ दिख रही है. विद द कॉम्पेटिबिलिटी कार्ड यहाँ पर जो है, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इनकी जो विश थी, इनकी मैनिफेस्टेशन थी, ठीक है, इन्होंने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में, या इनकी जो डिज़ायर थी कि हमारे लाइफ पार्टनर ऐसे होने चाहिए. ओके, एक लाइफ पार्टनर की जो परफेक्ट इमेज होती है इस पर्सन के दिमाग में थी, और इनको लगता है कि वो इमेज आपके देखने से, ठीक है, आपको देखने से ये पर्सन फील करते हैं कि आप जस्ट वैसे हो, ठीक है, इनकी ड्रीम कम ट्रू हो आप, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखती है. इनको ये लगता है कि डिवाइन ने इनके परफेक्ट मैच से मिलाया है जो कि आप हो. विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वैंड्स, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं. ओके, लाइक अब एक फैमिली, किड्स, जहाँ पर आपके एक अच्छी फैमिली हो, जहाँ पर आपका अच्छा घर हो, आपके साथ अपनी खुशियाँ देखते हैं. ठीक है, आपसे बेहतर पर्सन इनको नहीं मिल सकता, वो चीज़ें यहाँ देखते हैं. समवेयर इन्होंने पास्ट में हो सकता है काफ़ी स्ट्रगल किया हो, इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल किया हो, बट इनको अभी फील होता है डैट आप इनके लाइफ में एक ब्लेसिंग के जैसे आए हो. ओके, हो सकता है आप इनको काफ़ी केयर करते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हो, आपकी किड हो, एंड ये आपके लाइफ में आए हैं, तो ये पर्सन भी आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है. जितना आप इनको प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपको उतना प्यार करते हैं, आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप काफ़ी इनको ट्रस्ट वर्दी दिखते हो, लॉयल दिखते हो. और कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदे के कारण किसी रिलेशनशिप में होते हैं कि हमारा फ़ायदा है, इस वजह से है रिलेशनशिप में, बट यहाँ पर दिखता है इस पर्सन को कि ये आपको एक ऐसे पर्सन मानते हैं जो सच्चाई की साथ होता है, जो सच्ची फीलिंग्स की कद्र करता है, और आपको किसी भी तरह की दिखावा, बनावट, वो चीज़ें आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो. ये पर्सन जैसे हैं आप उनको बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट करते हो, जिस चीज़ के कारण ये पर्सन आपको बिल्कुल अपने एक फैमिली मेम्बर के जैसा देखते हैं, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत खुशियाँ, बहुत हैप्पीनेस. यहाँ पे सन एंड जॉय का कार्ड है. ओके, तो आपको किसी भी कीमत पे ये खोना नहीं चाहते. हो सकता है बहुत जल्द आपको अपने फैमिली के किसी फंक्शन में इनवाइट करें, अपने फ्रेंड से मिलवाए, तो इनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आपको लेके फ्यूचर को, बिकॉज़ ये आपको अपने बिल्कुल कंपैटिबल समझते हैं. जिनको इनको जैसे पार्टनर चाहिए थे अपने लाइफ में, आप बिल्कुल वैसे ही हो. ओके, सो हो सकता है आप काफ़ी केयरिंग हो, आप फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, और इनको लगता है कि वो चीज़ें बहुत कम लोगों में होती है जो सभी तरह से परफेक्ट हो, तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं. सो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दिख रही है. नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है,
37 आपकी एज हो सकती है, कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी फर्स्ट मैरिज हो गई थी, डिवोर्स सेपरेशन हुआ एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में नए पर्सन आए हो, देखते हैं इनके दिमाग में काफ़ी प्लानिंग्स चल रही है आपको लेके, ओके। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी प्लानिंग्स को आपको बताया भी ना हो, जितना ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दिखाते हैं सामने उससे कहीं ज़्यादा इनकी फीलिंग्स डीपर है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस है ये पर्सन आपको लेके, इनकी फीलिंग्स काफ़ी डीप है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख पा रही है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ओके। तो ये पर्सन आपके बारे में सपने देखते हैं, डे ड्रीम करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू सो मेनी थिंग्स, यस मैंने आपको कहा था ना, हो सकता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दिखाते नहीं है और जितनी इनकी फीलिंग्स है उससे कम आपको दिखाते हैं, तो ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू सो मेनी थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू टॉक टू माई फैमिली, ओ यस। तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी फैमिली से आपके बारे में हो सकता है बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपको किसी तरह के फैमिली फंक्शन में इनवाइट कर सकते हैं। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, ओके। तो मैंने आपको कहा था इनकी फीलिंग्स काफ़ी डीपर है आपके लिए और इनकी फीलिंग्स और भी ज़्यादा डीपर होती जा रही है आपके साथ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, तो कुछ लोग हो सकते हैं इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं और ये आप रियलाइज़ करते हैं कि ट्विन फ्लेम हो आप लोग एक दूसरे के। लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट, हो सकता है आपके रिलेशनशिप को अभी फ़िलहाल ये पर्सन सीक्रेट रखना चाहते हैं या ये पर्सन कोई सरप्राइज आपको देना चाहते हैं, ओके। आई वॉन्ट टू मैरी यू, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू और अपनी फैमिली से हो सकता है करेंटली आपके बारे में बात कर रहे हो। आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील वैन इट वॉज इट वैन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें थी पास्ट में जिसको देख के इस पर्सन का दिल टूटा हो, लाइक आपकी डिवोर्स या सेपरेशन हो रही थी या आप किसी के साथ थे पास्ट में, तो इन्होंने ये चीज़ें दिखाई हो कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट ये मैसेज है, ठीक है, ये काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। हो सकता है आप किसी के और के साथ थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हो। टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी, एरीज, ये साइंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, सो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये रीडिंग थी आपकी, आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है या फिर आपने अपने पर्सन के नेम इनिशियल वैसे सेलेक्ट किया, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। सिंस दिस इज जनरल रीडिंग, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। आप किसी भी जेंडर की इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपने वाइफ हस्बैंड के लिए देख सकते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इवन देन यू कैन वॉच दिस रीडिंग। तो मैंने कार्ड्स आपके लिए ले लिए हैं और फिर हम चैनल मैसेजेस आपके सामने लेंगे। चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इस चैनल पे, तो आपको अलग अलग रीडिंग्स मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट को विजिट करना, प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहला कार्ड आपके लिए है मिस्ट्री का, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्ट्री। दूसरा कार्ड आया है आपके लिए फ्रॉग का, लवर्स फ्रॉम द टैरो डेक, नाइट ऑफ वैंड्स, इनर वॉइस, दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस, ये वाली कार्ड हाई प्रिस्टेस की है, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, एंड देन वी हैव लाफ्टर। फर्स्टली आई विल अरेंज ऑल द कार्ड्स सो दैट आपको सभी कार्ड्स नजर आए, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट साइंस बता देती हूँ। जेमिनी, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स विद फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, दिस पर्सन कैन बी वर्गो और स्कॉर्पियो, ओके। स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड वर्गो, ये साइंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे 17 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर, 22 एंड 26 नंबर 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एज ये आपके बर्थडेट, इस पर्सन के बर्थडेट जिनके बारे में आप देख रहे हो वो हो सकता है। इस पर्सन के साथ आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में रहे हो, आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में अपना दिया है, बहुत ज़्यादा आपकी होप्स रही है, उम्मीद रही है इस रिलेशनशिप से,
ओके मुझे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है. लाइक आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हो इस रिलेशनशिप में, इमोशनली, फिजिकली, एनर्जेटिकली अपने आप को इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, पर बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. मुझे ये भी दिखता है कि इस पर्सन ने या तो आपसे बहुत कुछ हाइड किया है, ओके, और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो. ऑप्शन नंबर 3 मैं यहाँ पे आपके लिए एनर्जी स्पिक कर पा रही हूँ. आप बहुत तकलीफ़ और दुख में हो इस रिलेशनशिप को लेके. आप वेट कर रहे हो कि इस पर्सन की तरफ से भी वही सीरियसनेस, रेसिप्रोकेशन आपको मिले, ठीक है. ये पर्सन भी रेसिप्रोकेट करे वो लव, वो फीलिंग्स जो आप इनके लिए रखते हो. इवन दो स्टार्टिंग में इस पर्सन का आपके प्रति जो बिहेवियर रहा होगा, बर्ताव रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा. आपको ये भी लगा होगा कि जिस पर्सन की आप तलाश में रहे हो ये वही पर्सन है. बट आफ्टर सम टाइम आपने इस पर्सन के बिहेवियर में एक सडन चेंज देखा है, और उस चेंज को देख के आप बहुत तंग रह गए हो, बहुत सैड रहे हो. दैट आई कैन पिकअप हियर, ओके. आप बहुत सैड रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे हो. आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है इस रिलेशनशिप में. झूठ बोला है इस पर्सन ने आपसे, या फिर आपके सामने ही किसी और को डेट किया हो, किसी और के साथ रहे हो, या पास्ट की कुछ बातों को आपसे हाइड किया है, ठीक है. वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ. एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी अभी भी कह रही हूँ कि मुझे जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है वो मैं आपको ऑनेस्टली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो दिख रही है. आपको किसी भी तरह से हर्ट करना मेरा इरादा नहीं है, मेरे इंटेंशंस वो नहीं है. एज अ रीडर मेरा ये काम है कि मैं आपको चीज़ें जो सच दिखती है वो आपको बताऊं. तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज आई कैन पिक कि इस पर्सन ने, हो सकता है पास्ट में या फिर अभी भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है और आपको भी ये पर्सन अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है. बिकॉज आई कैन सी कि ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टेशियस हो सकते हैं. एंड करेंटली अगर हम बात करें इस पर्सन की करेंट एनर्जीज़ को, तो ये पर्सन अपने लाइफ में करेंटली काफ़ी खुश हैं, ओके. हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और अगर आप बात भी कर रहे हो तो इस पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन भी है, ठीक है, जिसको लेके ये पर्सन वो स्पेस, वो टाइम दे रहे हैं जो आपको, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, और उस चीज़ के बारे में आपसे हिडन रखा हो. तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली नज़र आ रही है, और ये पर्सन बिल्कुल भी आपको लेके लॉयल और ऑनेस्ट नहीं है, ओके. हो सकता है आप बहुत प्यार करते हो उस पर्सन से, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन भी वही चीज़ें करे, बट इस पर्सन ने हो सकता है प्रॉमिस भी किया हो आपसे कि मैं आपके साथ आगे चल के अच्छा रहूँगा या रहूँगी, बट वो चीज़ें इनके अंदर चेंजेस नहीं आए. इनकी जो पर्सनैलिटी थी फ्लर्टेशियस और आपको लेके एक नॉन सीरियस एनर्जी में रहना, लेस सीरियस एनर्जी में रहना, वो एनर्जी इनकी अभी भी है. आई कैन सी कि इस समय ये पर्सन अपने लाइफ में करेंटली किसी और में इंटरेस्टेड है, और इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, या तो फिर ये किसी को कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं, और उस चीज़ के बारे में हो सकता है आपको पता नहीं है. और अगर आपको पता है तो ये कन्फर्मेशन है यहाँ पर कि ये पर्सन फ़िलहाल किसी और में इंटरेस्टेड है, और हो सकता है इस वजह से आप लोग के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस चल रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप को भी लेके ये पर्सन उतने सीरियस नहीं है, ठीक है, एज एन ऑप्शन आपको देखते हैं, ओके, दैट आई कैन सी. तो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है. और हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट किया हो, आप काफ़ी हर्ट महसूस करते हो, दुखी महसूस करते हो, इस सदमे से उबर नहीं पा रहे कि ये पर्सन इतने कैसे बदल गए. तो आपको कहा जा रहा है दैट यू शुड क्लीन योर हाउस, ठीक है. और यहाँ पे जो हाउस है वो आपके दिमाग की बात की जा रही है, जहन की बात की जा रही है, ठीक है. जो चोट इस पर्सन ने आपको दी है उससे अपने आप को रिलीज़ करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, ठीक है. ट्राई टू रीपेरेंट योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो. ऑल्सो आप खुश रहने की कोशिश करो, बिकॉज इस रिलेशनशिप में मुझे दिखता है आप बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुए हो, दुखी हुए हो, बहुत ज़्यादा ग्रीफ पेन, ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है. आप एक क्लैरिटी चाहते हो कि आप इस पर्सन से, ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, बिकॉज ये आपको भी रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं, और सामने वाला पर्सन या कोई और इनकी लाइफ में है उसको भी ये रिलीज़ नहीं करना चाहते, और अपने लाइफ को ये पर्सन इंजॉय कर रहे हैं, बट आप पेन में हो, ठीक है. सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. करेंटली आपको कहा जा रहा है दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को हील करवाओ. ऑल्सो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है जिसको आपने इग्नोर किया है, आपके करियर, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, उनके साथ टाइम बिताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ. टाइम पे आपको अपनी भलाई देखनी है, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही है. अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ऑल्सो
यहाँ पे आपको अपनी फ्यूचर देखना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, इनर वॉइस को सुनो, ठीक है। अपने आप को बार बार इस चीज़ के लिए रेडी मत रखो कि आपको बार बार ये पर्सन हर्ट करते रहे और आप हर्ट होते रहो। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आपको ये चीज़ें कही जा रही है। इस रिलेशनशिप को लेके आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है। ओके, अपने फ्यूचर, अपनी रिस्पेक्ट, अपना ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ, आपका टाइम, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन सी हियर। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करती हो, तो उसको भी आपको सुनना है। एंड डेफिनेटली अपने ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी क्या वैल्यू है। ओके, अपनी वैल्यू आपको खुद पहचाननी है। एंड फॉर दिस पाइल आई वुड लाइक टू टेक एन एडवाइस कार्ड, मे बी टू। चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थ्री। आफ्टर दैट वी विल टेक चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सी, वी हैव दिस कार्ड डोर टू वैल्यू। मैंने आपको भी जस्ट कहा था दैट यू शुड रियलाइज योर वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस। आपको एडवाइस में भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस पता करनी है, ठीक है। अपने करियर पे वर्क करो, अपने फाइनेंसिस पे वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो एंड अपनी वैल्यू को रियलाइज करो, ठीक है। इस पर्सन के सामने सिर्फ ये मत दिखाओ दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, बोथ ऑफ यू आर इम्पॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। अगर ये पर्सन आपकी केयर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, देन तो चीज़ें ठीक है। अगर नहीं, तो फिर आप कितने दिन तक ऐसे टॉलरेट करोगे कि ये पर्सन आपको बार बार हर्ट करें, जब इनका मन करे तो ये आपसे बात करे, कॉल करे, फिर आपको चीट करें, निकल जाए किसी और पर्सन के लिए, ठीक है। ऐसे आप बहुत दिनों तक इस रिलेशनशिप को नहीं सह सकते हो। सो यू शुड रियलाइज योर इम्पॉर्टेंस एंड एट दिस टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अपनी आपको नर्चर करो, अपने आप को केयर करो, अपने आप को ग्रूम करो, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम बिताओ आप। ओके, नाउ आई विल टेक वन मोर कार्ड जो आपके लिए एडवाइस होगा। सो ये कार्ड गिरा है आपके लिए और ये कार्ड है शाइन का, सन का, ठीक है। मैं आपको हील कराओ, दिस इज द कार्ड ऑफ सन। आपको भी हैप्पीनेस मिलेगी, यू डिजर्व हैप्पीनेस, लव एंड केयर। सो अपने आप को हील करें एंड इम्पॉर्टेंस पहचाने, अपने लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो अलग अलग एस्पेक्ट पे काम करें, आपके करियर, आपके इमोशंस, आपकी हेल्थ, इन चीज़ों पे काम करें। चलिए हम देख लेते हैं व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। इस पर्सन की तरफ से हमें क्या चैनल मैसेजेस मिलते हैं, ये पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू राइट नाउ। आई अंडरस्टैंड यू बेटर नाउ। ओके, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये अभी बेहतर तरीके से आपको समझते हैं। ओके, आई कांट स्लीप एट नाइट, रातों को ये सो नहीं पा रहे। ओके, ये मैसेजेस है यहाँ पे, हो सकता है ये सैड है। आई होप दिस विल एंड सून। सो यहाँ पर मैसेज है लाइक आई होप दिस विल एंड सून, तो हो सकता है ये पर्सन कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो एंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आई रिप्ले आर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर, तो आपने कुछ मैसेजेस इस पर्सन को सेंड किए हैं, तो ये वो चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, बार बार रिपीट करना, आई विल सून कम बैक टू यू, तो हो सकता है यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है एंड बार बार ये पर्सन वापस आते जाते हैं, बट यहाँ पे जो मैसेज वो ये कह रहे हैं दैट ये वापस आपकी तरफ फिर से आएंगे, ठीक है, और बहुत जल्द। लेट मी टेक, यहाँ पे क्या है, आई हैव रियलाइज दैट यू वेरेंट रॉन्ग, तो इस पर्सन को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप गलत नहीं थे। ओके, What did you want from me? ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हो। Please don't hate me. ये आपसे कह रहा है that you should not hate him. तो यहाँ पर ये messages है आपके लिए ऑप्शन नंबर थ्री। आई होप सो दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, मुझे बताएं ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एंड आपकी जो भी सजेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।